दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप सरनेम को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों कई लोग अपने माता पिता का सरनेम अपने नाम के साथ लगा लेते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें ऐसा लगता है कि वह कोई अपने मन मुताबिक सरनेम रखें और जब वे सरनेम बदलना चाहते हैं तो वे नहीं जानते हैं कि इसका कानूनी प्रोसेस क्या है, क्या इसका नियम है, कैसे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में, उनके मार्कशीट में, उनके आधार में, पैन में फिर से सरनेम चेंज होगा, इसका क्या प्रोसेस है। दोस्तों अधिकतर लोग अपने माता पिता का सरनेम लगा लेते हैं, लेकिन आगे चलकर वे चाहते हैं कि वे अपने मन मुताबिक कोई दूसरा सरनेम लगाएं। उनके दिमाग में प्लान आता है कि कोई दूसरा सरनेम लगाया जाए, तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका क्या प्रोसेस है। एक बात तो तय है कि अगर आप सरनेम को चेंज कराएंगे तो फिर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी में सरनेम फिर से चेंज होगा। दोस्तों सरनेम को चेंज कराने के लिए आपको मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी से अफिडेविट को अटेस्टेड कराना होगा, तभी आपका यहाँ पर सरनेम चेंज होगा। इसके साथ ही साथ आपको सेंट्रल गजट में पब्लिकेशन करवाना होगा कि आप अपना सरनेम को चेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जाकर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपका सरनेम चेंज होगा। दोस्तों सरनेम को चेंज कराने के लिए आपको मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी से अफिडेविट को अटेस्टेड कराना होगा और आपको सेंट्रल गजट में पब्लिकेशन करवाना होगा, तभी आपका यहाँ पर सरनेम चेंज होगा। इसके बाद आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर सारे डॉक्यूमेंट में आपका सरनेम चेंज हो जाएगा। दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि कई वर्ष बीत जाने के बाद सरनेम चेंज नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो कानून है हमें इजाज़त देता है कि हम अपने मन मुताबिक अपना नाम को चेंज कर सकते हैं, अपने सरनेम को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें।